दोस्तों सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के इस सावन के महीने में गाने तो कई सारे रिलीज हुए, ट्रेंडिंग में भी गए हुए हैं, लेकिन एक दुख भरा खबर कह सकते हैं, क्योंकि पिछले विगत 3-4 सालों से खेसारी लाल यादव का जो जलवा रहता है वो जलवा इस बार एक चीज़ को लेकर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको रविवार को बताया था कि यूट्यूब म्यूजिक चार्ट्स में खेसारी लाल यादव जो है पूरे देश में 8वें नंबर पर टॉप आर्टिस्ट के रूप में भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने बताया था कि लास्ट लास्ट 28 दिन की बात कर लें तो लास्ट 90 दिन होता है और 28 दिन होता है। मान लो कि मैं 28 दिन का देखता हूँ तो लास्ट 28 दिन में खेसारी लाल यादव को ये व्यूज़ मिले हुए हैं, 581 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। कहाँ से कितने मिले हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो टॉप सॉन्ग खेसारी लाल यादव का है उसमें सावन के इतने सारे गाने रिलीज हुए हैं और इस बार का सावन 2 महीना भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी महज एक गाना जो है वो टॉप 10 में बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के कम से कम नहीं तो 4-5 गाने तो टॉप में आने चाहिए, क्योंकि उस सीजन भी चल रहा है और इतना ज़्यादा एंगेजमेंट भी है। लेकिन नहीं, आम के स्वाद पहले नंबर पर गाना है, ललका टी-शर्ट पर 2रे नंबर पर है, 3रे नंबर पर है पलंग सागवान की, और फिर 4थे नंबर पर ये गाना आता है भले ही, जिस गाने का नाम फूल बेल पाता है, और इस गाने पर 12.6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। और यही एक गाना है जिस पर कि जो कि टॉप 10 म्यूज़िक वीडियोज़ में आया हुआ है सावन के गाने में, और इसी की वजह से खेसारी लाल यादव पूरे देश में हैं। तो ये बस एक गाना है, इसके अलावा हरियर की उड़निया तो ये तो भाई बॉलीवुड मतलब सॉन्ग हो गया, कमरिया पे भाड़ा चढ़े लोकगीत हो गया, ले ले आई कोका कोला लोकगीत हो गया, जून में नथुनिया सेंट के सीसी, टॉप 10 में आप देख सकते हैं कि महज एक गाना है फूल के बेल पाता। बाकी गाने क्यों नहीं आए इस पर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।